हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदारघाटी, एक छोटे से गांव रलगांव से। आज की ब्लॉगिंग मैं 10 बजे से कर रही हूँ और अभी मैं लगी हूँ घर पे काम पे। आज की ब्लॉगिंग मैं बहुत देर से कर रही हूँ क्योंकि सुबह 5 बजे उठ गई थी और भैंस बीमारी ब्याने के लिए एक भैंस तो कुछ दिन में ब्याई हो। आप लोगों को भी दिखाएंगे हम क्या होता उसका बछड़ा होता है कि बछड़िया होती है। और अभी मैं घर पे काम पे लगी हुई क्योंकि जो ईंटे होते हैं वो बनाने पे लग रहे हैं ताऊ जी ऊपर छत में। तो रोहित और ताऊ जी बना रहे हैं ईंटे और मैं उनको अब लंच बनाती हूँ। पहले तो चाय दे दी और अब जूस भी पिलाती हूँ, उसके बाद उनको लंच बनाती हूँ और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूँ आज का। और कल हमने खेतों से सरसों भी लाए थे तो पहाड़ों में ऐसा होता सरसों ऐसे पक के जड़ गया है पूरा क्योंकि जल्दी नहीं निकाला है हमने, वहाँ पर पूरा रहता। और आजकल साफ किया मैंने ये छत तो अब बरसाती में रखा है ये सरसों भी। और यहाँ बाहर पर लगा रखी है मेरी आग, तो यहाँ पर पहाड़ी गीजर भी रखा है चूल्हे में और आग भी जला दी है मैंने। और ये गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि इसी से मैं लंच बनाऊँगी दिन का, तो इसी पानी से चावल धोऊंगी और दाल धोऊंगी। और नीचे नीचे धूप लगी है और ऊपर ऐसे बादल लगे हुए हैं। तो इस पर है संतरा का जूस, तो इसको बोला जाता है हमारे पहाड़ों मेल्टा का जूस, तो इसको देती हूँ मैं। तो कुछ बुरांस का जूस निकाल रखा, कुछ मेल्टा का जूस निकाल रखा है। तो यहाँ पर रख दिया है मैंने जूस, तो ऊपर छत में लगी हुए हैं ताऊ जी और ताई जी भी आ रखी है, ताऊ जी की बीवी और ताई जी भी लगी हुई है ईटे बनाने पे। ताऊ जी ये है, ताई जी ये है, ताई जी की तो बहुत मोटी माला पहन रखी है नेपाल की ऐसी माला, तो पहाड़ों में ऐसी माला नहीं नेपाल में। 10 हजार की है। कितने हजार की है? 10 हजार की। 10 हजार बोल रही, 10 हजार की। और यहाँ पर ऐसे मसाला बनाया जाता है ईटा बनाने के लिए, तो इतने भी ईटे बना दिए हैं ताऊ जी ने। और यहाँ पर कुछ ईटे यहाँ पर रखे हैं, बहुत सारे ईटे बना दिए हैं, तो पहाड़ों में ऐसे ईटे बनाए जाते हैं मसाले से। चाय पानी तो दे दिया मैंने ऊपर छत में ताई और ताऊ जी को, तो लगे हुए हैं ईटे बनाने पर। तो अब दिन के लंच की भी तैयारी करते हैं। दिन के लंच में बन रही है पत्ता गोभी और चावल और दाल। और मेहमान भी आने वाले हैं हमारे यहाँ, तो मेरी भाई की बीवी आ रही है, बहुत सालों बाद आ रही है यहाँ, तो आप लोगों को भी मिलाते हैं। और जो मेहमान के लिए बोल रही, तो मैं आप लोगों को मेहमानों से मिलाऊंगी। तो ये है मेरी भाई की बीवी, तीसरे नंबर की भाई की बीवी, और ये है मेरी दीदी की लड़की। तो आप ही आ रखी है देहरादून से घर आई और मोनिका भी जा रखी थी इनके घर। तो ये आज 8 साल बाद तो मेरी भाई की बीवी आ रही है हमारे घर, और आरती तो परसों भी आई, आज भी आएगी फिर भी आएगी। और लंच किया हमने, बैठे रहे, और ये फिर घर जा रही है, आज एक दिन यहीं रुके। और मेरे दीवार की बकरी भी जंगल जा रही है, वो है हमारी लड़की। और मेरे भाई की बीवी और आरती उधर चले गए हैं जहाँ ये चट्टानों पर जाली भर रखी है, उधर चले गए हैं। और आज अजीब सा लग रहा है। और मेहमान हमारे यहाँ के जो मेहमान आ रखे थे, मेरे भाई की बीवी और मेरी दीदी की लड़की,
तो वो भी फाटा पहुंच गए हैं और यहाँ से 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। फाटा मार्केट पहुंच गए हैं, वहाँ से भी गाड़ी मिल गई है उनको, तो वो पहुँच गए होंगे। अभी तक फ़ोन नहीं किया, अब रात को फ़ोन करेंगे। और भाई की बीवी तो 8 साल बाद आई, बहुत अच्छा लगा मेरे को मिलने आई, तो जब बहुत खुशी होती है जब मैके वाले आते हैं। मेरे को तो टाइम ही नहीं है, मेरे बच्चे तो स्कूल के हैं, रोहित स्कूल जाता फाटा, मोनिका नीचे कॉलेज जाती है, टाइम ही नहीं है। तो इस साल तो रोहित ने भी इंटर कर लिया है और मोनिका का भी है, तो इस साल अब थोड़ा हल्का हो गया है, अब कॉलेज है, 2-3 साल कॉलेज भी करेगा और रिजल्ट कैसा आता है पहले। तो अभी जा रही हूँ मैं छत में, तो जो ईंटें बनाए हैं मसाले के और बजरी और कंक्रीट और सीमेंट के ईंटें भी दिखाती हूँ आप लोगों के, पहाड़ों में ऐसे ईंटें बनाए जाते हैं। तो जो नीचे वाली ईंटें होती वो बहुत महंगी पड़ जाती हमको, क्योंकि हमारे यहाँ पैदल का रास्ता है 2-3 किलोमीटर, तो तब बहुत महंगा पड़ता है। कल हमारे यहाँ सुबह से और शाम और आज सुबह तक पानी नहीं आया, तो आज आया पानी, तो मैंने एक वहाँ पे भर रखा है, नीचे जो गैलरी है वहाँ पे भर रखी है। तो कल इतनी परेशानी हो गई पानी की, तो जो मेरे यहाँ मेहमान आ रखे थे वो उधर जो रास्ते में बन रखे वो बड़ी टंकी, तो वहाँ से पानी लेके आए खाने के लिए, तो लंच बनाने के लिए भी पानी नहीं था। कल इतनी परेशानी हो, गाय भैंस भी वैसे रखी, तो यहाँ जो पानी है एक एक दो दो दिन तक पानी नहीं आता है, तो यहाँ इतनी परेशानी होती है पानी की। और इतने ईंटे बना दिए हैं, इनको बोला जाता है हमारे यहाँ ब्लॉक, तो कुछ ये है और कुछ यहाँ पर है, ये सूखे नहीं है अभी, और कल इतने सारे बनाए यहाँ पर, तो ऐसे बनाते हैं ईंटे, ये मसाले के हैं, तो पूरी इतने बन गए हैं, किचन के लिए हो जाएंगे। और अब देखते हैं मिस्त्री भी कब आते हैं, और ऊपर भी जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी पल्या आ गया है पूरा, ऐसा हो रखा है जो सफ़ेद सफ़ेद पत्तियाँ है वो, इसको पल्या बोला जाता है। और यहाँ पर हमने ऐसी जाली लगा रहे हैं यहाँ पीछे, तो आगे हमने ऐसी रेलिंग कर दी है जहाँ पर ये कपड़े डाल रखे मेरे, और यहाँ ऐसी जाली लगा रहे हैं हम ये, और अभी कुछ बची हुई है कुछ और लगाएंगे यहाँ पर है ये। और यहाँ पर जो रास्ता है अभी खतरनाक वाला है, तो यहाँ हम पत्थर भरेंगे और फिर यहाँ से भी सीढ़ी बनाएंगे ऊपर जाने के लिए, वहाँ पर तो बना रखी है, और पानी की फिटिंग करेंगे यहाँ। और यहाँ पर सारी ये है पोलम और ये है आरओ, तो ये जल्दी वाले आरओ हैं, पहाड़ों में ये जल्दी होते हैं, और ये पोलम भी हरे हरे और लाल लाल कलर के होते हैं। और यहाँ पर सारे ऐसा है, ये है मेल्टा का पेड़, तो पहाड़ों में इसको भी मेल्टा बोला जाता है। हमारी ऐसी सीढ़ी बना रखी है नीचे जाने के लिए, तो यहाँ पर जो ये पूरा ये पत्थर हैं अब यहाँ से ऊपर लाएंगे हम इनको। और जो मंदाकिनी के ऊपर ये खेत हैं, तो इसमें तो सरसों तो निकाल दिया है, और अब जो निकालेंगे पहले फिर ये गेहूँ भी पक जाएंगे कुछ दिन में। और सीढ़ी नमा खेती रहती है पहाड़ों में, और बैलों द्वारा लगाई जाती है हाल खेतों में, अभी ट्रैक्टर नहीं है हमारे गाँव में, तो बैलों से जुताई करते हैं। और जो मंदाकिनी का जलस्तर है काफ़ी कम हो गया है आजकल, और कुछ दिन में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो केदारनाथ से बर्फ़ गलता है तो पूरी खूब बहुत ज़्यादा पानी आता है मंदाकिनी नदी पे। अंधेरा भी हो गया है और मैं गौशाला जाती हूँ, पहले दूध निकालती हूँ गाय भैंस उससे, और थोड़े देर में डिनर भी बनाते हैं। हाँ, तो डिनर में बनेगी हमारी आलू की सब्ज़ी और रोटी, पहाड़ी लोग ज़्यादा करके शाम सुबह रोटी खाते हैं और दिन में चावल खाते हैं। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर, तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें, बाय बाय।